ये ऐसे एक बुक पढ़ रहा था, मैनेज योर टाइम, राइट। जब भी टाइम मिलता है उसमें एक एक बुक ऐसा निकाल के देखता हूँ, और जनरली बुक रीडिंग का एक टिप्स है, वीडियोस है, आप चेक कर लीजिए उसके बारे में। ओके, गोल क्यों रखना चाहिए, इसमें ये बुक है। सब समझते हैं गोल से क्या होता है, गोल का क्या मतलब है, गोल जरूरी है, गोल क्यों जरूरी है। इसमें से मैं आपको 7 चीज बताऊंगा जिसकी वजह से आपको गोल रखना जरूरी है, आपकी लाइफ में गोल होना जरूरी है। पहले देखते हैं नंबर 1, जब आप लाइफ में कुछ गोल होता है कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, ठीक है, तो आप वो गोल सेट करते हो, करेक्ट। मतलब आपको एक मोटिवेशन मिलता है, नंबर 1, आप गोल सेट करने से आपका मोटिवेशन बनता है, राइट, दैट्स 1। नंबर 2, आप जब गोल सेट करते हो, छोटा भी हो, थोड़ा सा आज मुझे शाम को जल्दी घर पे जाना है, टाइम पास नहीं करना है, कुछ भी ऐसा छोटा हो, उस समय भी आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। छोटा छोटा जो आपका गोल अचीव करते हो, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है जो आप गोल अचीव करते हो। 2, 3, जब आप अचीव करना चालू करते हो ना, तो आपको लगता है यस मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। फिर आप जैसे जैसे करते हो ना, उसको ज़्यादा करते हो। मतलब 3rd इज यू अचीव मोर, बिकॉज आपको पता है मामला कितना है, कितना में कैसे हो सकता है, कितना टाइम में क्या हो सकता है, तो आपको समझ में आता है। उससे आप ज़्यादा काम करना लगते हो, आपको ज़्यादा रिजल्ट अचीव करना आप समझ सकते हो। और गोल आपको हेल्प करेगा कि मेरे को जब भी समय है तो उसे मुझे क्या करना चाहिए। टाइम पास में ऐसे बैठे हो, खाली बैठे हो, आपको कुछ काम नहीं है, तो उस समय सोच सकते हो कि यस मुझे क्या करना है, क्योंकि आपके पास गोल है, कब कहाँ क्या करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी गोल आपके पास है। 4, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आप अगर आपके पास गोल तैयार है तो आप जो काम करते हो उसके ऊपर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। इंप्रूवमेंट इन बीइंग सर्ट, जो आप काम करते हो उसके ऊपर करते 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 आपको बेस्ट हो जाएगा, फिर उसके ऊपर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट अ गोल, दैट इज 5। उसके बाद चलते हैं, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ सकता है, इम्प्रूवमेंट होगा आपका जो कॉन्सेंट्रेशन। एक तो रिजल्ट्स इम्प्रूवमेंट होगा, परफॉर्मेंस, दैट्स सेकेंड। आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है फोकस हो जाएगा, यस मुझे 5 to 6 ये काम करना है, तो सीधा जाके आप 5 to 6 सिर्फ वही काम करोगे, डिस्ट्रैक्शन वगैरह कम होगा। हाँ, एक आध बार होगा, दो बार होगा, लेकिन चलते चलते आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। 7, सबसे 7 सिंपल है, आपको जो बड़ा काम देखते देखते जो परेशान लगती है ना, वो नहीं होगा। मतलब स्ट्रेस नहीं होगा, अरे बाप रे मुझे इतना काम करना है, इतना बाकी है, इतना बाकी है, नहीं, क्योंकि आपने पहले उस कंसंट्रेशन को समाया और आपने किया और बेस्ट किया। सो ऑलवेज डू द बेस्ट, मतलब आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। ओके, 7 पॉइंट्स, आपको मोटिवेशन बढ़ाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, क्योंकि जब आपका गोल अचीव करते हो, आप जो भी अचीव करते हो, थोड़ा ज़्यादा अचीव करते हो, आपको हेल्प करता है कि मुझे किस तरह का काम करना चाहिए जब आप फ्री हैं, क्योंकि आपके गोल सेट है तो आप उस समय पे वो काम कर सकते हैं। 5th, आपका रिजल्ट्स इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। 6, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। और लास्ट में है, आपको जो स्ट्रेस है, टेंशन है, ये दूर होता है, राइट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, गोल है इसके लिए टेंशन है वो नहीं, आप नहीं कर पाया उसे, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, राइट। थैंक यू।